अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। बाबा सिद्दीकी, जिनका जन्म जियाउद्दीन सिद्दीकी के रूप में हुआ था, मुंबई के एक अनुभवी राजनेता थे जो भारत राष्ट्र कांग्रेस INC के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के बाद अजीत पवार की NCP में शामिल हो गए थे। दशकों से उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई युवा कांग्रेस में कई प्रभावशाली पदों पर कार्य किया है। उनका जन्म अब्दुल रहीम सिद्दीकी और रजा सिद्दीकी के घर हुआ था। बाबा सिद्दीकी की शादी सैजिन सिद्दीकी से हुई है और उनके दो बच्चे हैं, डॉक्टर अर्शद सिद्दीकी और दिशान सिद्दीकी। मुंबई पुलिस के अनुसार शनिवार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कई बार गोली मारे जाने के बाद बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। यह घटना बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी के बेटे दिशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास हुई। बाबा सिद्दीकी को कई गोलियां लगी और उन्हें तुरंत चिकित्सा देखभाल के लिए लीलावती अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भर्ती होने के समय उनकी हालत गंभीर थी और उन्हें सीने और पेट में चोटें आई थी। हमले में 3 हमलावर शामिल थे जिसमें से 2 को हिरासत में ले लिया गया है और अधिकारी अब मकसद का पता लगाने और अपराधियों की पहचान करने के लिए जांच कर रहे हैं। सिद्दीकी ने 1977 में किशोर के रूप में भारत राष्ट्र कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया। 1980 में वे बांद्रा तालुका युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने और 1982 तक वे बांद्रा तालुका युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पद पर पहुंच गए, जिस पद पर वे 1982 तक रहे। 1988 में वे मुंबई युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। उनका राजनीतिक करियर तब और आगे बढ़ा जब 1982 में वे बृहन मुंबई नगर निगम BMC में म्यूनिसिपल काउंसिलर चुने गए। बाबा सिद्दीकी लगातार 3 बार विधानसभा के सदस्य MLA चुने गए। उनका पहला कार्यकाल 1999 में शुरू हुआ, उसके बाद 2004 में उनका पुनः चुनाव हुआ। उन्होंने 2009 में अपना लगातार 3रा कार्यकाल हासिल किया। 2000 से 2004 तक उन्होंने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी MHADA मुंबई बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। 2004 से 2008 के बीच उन्हें महाराष्ट्र सरकार में फूड एंड सिविल सप्लाईज, लेबर, FDA और कंज्यूमर प्रोटेक्शन राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। अपने पूरे करियर के दौरान सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के भीतर विभिन्न छात्र आंदोलनों और युवा नेतृत्व में शामिल रहे। इस साल फरवरी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सिद्दीकी नेशनल लिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP में शामिल हो गए। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too.